आज का टॉपिक लिमिट्स से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स और लिमिट्स क्या होती हैं। इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बच्चे यही भी नहीं जान पाते कि लिमिट हम लोग अप्लाई क्यों करते हैं। तो इन सारी बातों को आज के टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स को देखेंगे। और लिमिट एक मैथ्स का टॉपिक है, कैलकुलस का टॉपिक है, बट हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिए हैं जो ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है अभी देखते हैं कि पहले एक वर्ड, एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि आई एम इन द मावला क्लासेस, या मैं कहीं पर भी हूँ, इसका मतलब मैं इस कोचिंग में हूँ। और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मावला क्लासेस, तो आपको सिंपली पता होगा कि मैं मावला क्लासेस जा रहा हूँ। या आई एम कमिंग, जैसे कोई वर्ड बोलता, कोई बोलता है स्टेटमेंट कि आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम रीचिंग दैट पॉइंट, या मैं वहाँ पर हूँ। तो दो स्टेटमेंट में जितना फ़र्क है, अगर ये दो स्टेटमेंट अगर आप समझ पाते हैं लिमिट के बारे में ही भी, उतना ही आप समझ पाएंगे। जैसे कि दो स्टेटमेंट हम मैथ्स में लेते हैं, एक्स इक्वल टू टू, एक्स टेंडिंग टू टू। इन दो स्टेटमेंट में अंतर हम जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक लिमिट का मतलब नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि एक और बात लेते हैं, सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे यहाँ पे। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू एट एक्स इक्वल्स टू फोर, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर एक्स प्लस टू। एक यहाँ पर हमने लिया है स्टेटमेंट, एक यहाँ लिया है। एक और स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। इन सारी बातों से कन्फ्यूज़न, जो बेसिक सा कन्फ्यूज़न है वो ज़रूर क्लियर होगा, इसको ज़रूर ध्यान दें। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दो स्टेटमेंट हैं, आपने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा, और इन दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है ये आप जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ देखें कि जैसे कि इस वाले स्टेटमेंट में अगर आप फंक्शन की वैल्यू x प्लस टू है और x इक्वल टू फोर पर निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू फोर रख देंगे तो f ऑफ फोर जो आएगा वो फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी निकालें तो फोर यहाँ रख देंगे तो फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा। तो दोनों में आंसर सेम आया, यहाँ पर भी सिक्स आया, यहाँ पर भी सिक्स आया, बट अंतर क्या है, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू फोर पर निकालने वैल्यू, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू फोर पर वैल्यू निकालने, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया, आंसर भी सेम आया। तो हम लिमिट ना अप्लाई करके सिंपल वैल्यू निकाले फंक्शन की, लिमिट क्यों आई? अगर अब यहाँ देखें इसी स्टेटमेंट को, अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू टू रखते हैं तो फोर माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ज़्यादातर इनिशियल लेवल पे बच्चों का मान जीरो अपॉन ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाता है, ज़ीरो नहीं होता, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब मीनिंग लेस है। यानी कहने का मतलब टू रखने पर ये फंक्शन मीनिंग लेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ इस स्टेटमेंट समझेंगे, x इक्वल टू यानी कि x की वैल्यू टू है और x टेंडिंग टू टू। तो जैसे कि यह दो स्टेटमेंट, आई एम इन द मावला क्लास से मतलब मैं कोचिंग में हूँ, तो कोचिंग में हूँ इसका मतलब ये स्टेटमेंट इस तरीके से है कि x की वैल्यू टू है, और आई एम गोइंग टू द मावला क्लासेस, अभी कोचिंग में कोचिंग पहुँच रहे हैं। तो एक्स टेंडिंग टू टू का मतलब अभी कोचिंग में है या नहीं है? नहीं है। तो x टेंडिंग टू टू का मतलब ये निकल गया कि x दो नहीं है, x की वैल्यू टू नहीं है, जबकि हम क्या मानते हैं कि x की वैल्यू टू है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। यहाँ पर x टेंडिंग टू फोर का मतलब है लिमिट जैसे लगी है तो इसका मतलब है कि x फोर नहीं है बट अप्रोचिंग टुवार्ड्स अ फोर, और यहाँ पर x इक्वल टू फोर है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ x इक्वल टू टू रख दिया तो जीरो पॉइंट जीरो आ गया, तो जब ये टू होगा तो ये जीरो पॉइंट जीरो में होगा, अब ये टू हुआ नहीं है, टू हुआ नहीं है। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म को आपके पास चांस है, जैसे अभी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने वाला है, तो एक्सीडेंट हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता चला कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, 10 मिनट बाद होने वाला है या 5 मिनट बाद होने वाला है, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा तरीका या निकाल लेंगे आप, खतरा आने वाला है अगर पता चल जाए तो आप कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे जिससे आप उसको टाल सकते हैं, बच सकते हैं। तो हो जाना और होने वाला है दोनों फ़र्क है। तो लिमिट एक्स टेंड टू टू का मतलब है एक्स
टू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आप दो होने वाला है तो दो हुआ देख लेते हैं कि कितना आया। तो यानी कि यहाँ पर इंडिटर फॉर्म है तो लिमिट की हेल्प से इस फॉर्म को हम हटा देंगे। जैसे एक्सीडेंट होने वाला है तो अगर पता चल गया पहले से तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा था, उस चीज़ से हम पहले ही क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे गूगल में सर्चिंग हम करते हैं तो पहले अभी क्या फ़र्क आया, पहले क्या करते थे हम लोग स्टेशन पे चले गए, 5 घंटे ट्रेन लेट है, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी क्या है, हम लोग पता कर लेते हैं कि ट्रेन लेट हो गई है या अभी पहुंचने वाली है कि नहीं पहुंचने वाली, अगर नहीं पहुंचने वाली 2 घंटे बाद जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इत्मीनान से अपना काम जो करते हैं वो करते रहते हैं और बाद में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप फर्जी का टाइम जो वेस्ट होता था वो बच गया। तो कोई चीज़ अगर होने वाली है या नहीं होने वाली है, अगर ये पहले से पता चल जाए तो हम पहले से प्रॉपर उसके लिए अलर्ट रह सकते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो लिमिट का मतलब है कि जो चीज़ होने वाली है उससे पहले ही, इंडिटर फॉर्म में होने वाला है उससे पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए। तो सारे 7 इंडिटर फॉर्म हैं, उन सारे जैसे कि 0/0 है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये 7 इंडिटर फॉर्म है। यानी इन फॉर्म में मैथ्स की कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में चली गई तो इनडिटरमिनेट है, इसका मतलब मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं और इन फॉर्म में चली गई तो लिमिट की हेल्प से, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की हेल्प से इन इनडिटर फॉर्म को आप हटा सकते हैं। तो इस लिमिट का मतलब ही है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर है कोई फंक्शन उस वैल्यू पर, तो उससे पहले लिमिट की मैथड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट को लगा कर आप इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा दीजिए और उसके आसपास वैल्यू आप इवैल्यूएट करिए। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को आइडेंटिफाई करिए, साथ में से कोई ना कोई फॉर्म होगा, आप लिमिट के तरीकों को अप्लाई कर लिमिट को इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाकर वैल्यू इवैल्यूएट करना ही लिमिट इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट में फॉर्म्स हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है इनको आपको याद रखना है, क्लियर कट आप याद कर लें कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। तो 7 इंडिटर फॉर्म को आपको याद रखना है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी बिगिनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं ये सारे फॉर्म्स क्लियर कट वो तरीके से याद नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। जैसे कि एक फॉर्म आया इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट है या नहीं है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो आप इसमें भी कन्फ्यूज़ करेंगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। 0 की पावर इन्फिनिटी, इसमें भी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये इंडिटरमिनेट है कि नहीं है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इसमें भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये इंडिटरमिनेट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स ये क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, ये भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, ये 0, ये इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट नहीं है, नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। जबकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है, इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट मतलब मीनिंगलेस है। ये है और ये नहीं है। तो अगर आपने 7 इंडिटर फॉर्म जो दी गई हैं अगर आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इंडिटर फॉर्म क्या होती है। 1/0 जैसे कि है तो ये 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये भी इंडिटर फॉर्म नहीं है। तो इन सारी बेसिक बातों को लिमिट्स आगे बढ़ने से पहले आप क्लियर कट ये जान लें कि ये 7 इंडिटर फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म बन रही है उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। वो सारी डिटरमाइन है, उनके बारे में पहले से पता है। इनडिटरमाइन या इनडिटरमिनेट या मीनिंगलेस का मतलब है कि वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, उनके बारे में आप बता नहीं सकते हो, इसीलिए उनको मीनिंगलेस, मीनिंग का मतलब जिसकी आप डेफिनेशन दे पाएँ, जिनके बारे में बता पाएँ, आप उनको डिफाइन कर पाएँ, और जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाएँ उनको बोला गया मीनिंगलेस। तो इस सारे फॉर्म में जब भी आप कुछ भी फंक्शंस, जैसे एग्जांपल में कि fx = x²−4/x−2 है, अगर आपने f(2) निकालना चाहा तो 4−4/2−2, तो ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 0, तो f(2) 0/0 फॉर्म में चला गया। आप इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर
निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला गया, इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इसको ज़ीरो नहीं बोलेंगे, इसको इन्फिनिटी भी नहीं बोलेंगे, ना ही इसको वन बोल सकते हैं, ना ही देखिए होता क्या है एग्जाम्पल में कि टू अपॉन टू वन होता है, ज़ीरो अपॉन टू ज़ीरो होता है, टू अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। तो ये किसी भी लॉजिक पर, इस पर भी सेट हो सकता है कि सारे एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया तो वन आ सकता है, नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ सकता है, ज़ीरो को नंबर से डिवाइड करें तो ज़ीरो आ सकता है। तो सारे लॉजिक इस पर सेट हो रहे हैं, तो ना ही अब आउटपुट हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो ना ही ये वाला सेट हो पा रहा, ना ये ना ये, इसलिए इसको बोला गया मीनिंग लेस इन रिटर्न फॉर्म। जैसे यहाँ पे चेक करना हो तो अगर आप ये सारे फॉर्म, ये सारे फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, सारे फॉर्म में अगर आपने लिमिट अप्लाई की, जैसे कि यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट का मतलब ये है कि एक्स इन्फिनिटी टेंड कर रहा, मतलब हो रहा है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसका इवैल्यूएशन क्या होगा, तो यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी बन गया और ये भी इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे इन सात फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में वो होगा, तो उसको इवैल्यूएट करने के तरीके दिए गए हैं कि आप इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने का, इवैल्यूएट करने का तरीका आपके पास है, वो पर्टिकुलर मेथड आप लगाएंगे और उससे इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटा पाएंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे। लिमिट का सीधा सा यही कॉन्सेप्ट, अगर जैसे लिमिट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, अब आपने लिमिट अप्लाई की वन प्लस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, तो थ्री अपॉन थ्री कितना आया, तो यहाँ पर लिमिट का कोई रोल नहीं है, लिमिट का कोई रोल नहीं है। जैसे आप प्लेन पे चल रहे हैं, प्लेन इन द सेंस जो रोड है, रोड पे आप चलते हैं तो आप बात करते हुए आराम से नॉर्मली चल पाते हैं, अपने पैर के मूवमेंट को आप ध्यान नहीं देते हैं। मगर वही चीज़ अगर आप पानी में चलें, पानी में चलने का प्रयास करते हैं, तो अपने जो पैर रखते हैं तो संतुलित और ध्यान दे के रखते हैं कि कहाँ पड़ रहा है, तो यानी पैर जब भी आप रख रहे होते हैं तो लिमिट देखते हैं कि कितना गहरा है। तो जहाँ पर नोन है जो चीज़, या रात में जब चलते हैं उसी जगह पर, रात में चलते हैं तो थोड़ा ध्यान दे के चलते हैं, तो ये लिमिट की बात आ गई, और दिन में आप चल रहे हैं सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें चलने पर ध्यान नहीं होता है, बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जब इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो आप सिंपल लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, सिंपल ये क्वेश्चन हो गया कि आपको एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर ये वैल्यू निकालनी है। तो ये इवैल्यूएशन आप लिमिट नहीं, फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करने वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहाँ पर बनता, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन करते एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, अगर यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो इवैल्यूएशन अब लिमिट आ जाएगा। देखो वन माइनस टू प्लस वन और वन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा टू माइनस टू अपॉन वन माइनस वन, तो जीरो अपॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन अब लिमिट आ गया, यानी कि लिमिट का मेथड लगाइए, जीरो अपॉन ज़ीरो के फॉर्म को इवैल्यूएशन करने के जो मेथड दिया गया आप मेथड लगाएंगे, पहले आप इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म हटाएंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे सात फॉर्म में से बारी बारी से एक एक फॉर्म को हम लोग लेंगे, और हर फॉर्म का इवैल्यूएशन और मेथड दिया गया है, उस मेथड को लगा के लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए सबसे पहला फॉर्म देखते हैं जीरो अपॉन ज़ीरो की, किस तरीके से इसको मेथड को अप्लाई करेंगे और कौन कौन से मेथड हैं, समझ आई बात कि नहीं। ओके, तो लिमिट जहाँ पर लगी होगी तो आप जब उसको चेक करोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बन रहा होगा, अगर नहीं बन रहा होगा तो लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे क्या करिए वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम तीन यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहे हैं, पता है कि आप बिल्कुल बिगनिंग में हैं, तो यहाँ पर आपको प्रयास करने के लिए, ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x, क्योंकि लिमिट टेंड टू ज़ीरो, तो सबसे पहले हम लिमिट जिस पॉइंट के लिए टेंड करती है पहले हम लोग वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ज़ीरो है नहीं, बट ज़ीरो होगी तो क्या होगा, ज़ीरो होगी तो क्या होगा, तो ज़ीरो माना तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो, अभी देखा था इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये है, एक ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर यहाँ पे देखें लिमिट अप्लाई करें तो वन अपॉन ज़ीरो को हम इन्फिनिटी ट्रीट करते हैं, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो। यहाँ पर देखें तो इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो भी क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारी,
यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो 0 की पावर इन्फिनिटी, इसको हमने 7 इंटीजर फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि 0 की पावर इन्फिनिटी 0 आ जाए, क्या आ जाएगा, 0 की पावर समथिंग, 0 की पावर कितनी भी हो क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर लिमिट का कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, दैट इज़ द आंसर फाइनल। तो और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा हमें, अप्लाई लिमिट, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई लिमिट, यानी कि लिमिट 0 की पावर 0 के लिए जो इवेल्यूशन ऑफ मेथड होंगे वो आप प्रॉपर आगे हम लोग सीख जाएंगे कि 0 की पावर 0 को कैसे इवेल्यूएट करते हैं, उसके मेथड लगाएंगे तब आंसर निकालेंगे। यहाँ पर भी क्या है, इन्फिनिटी और 0 के लिए भी मेथड होंगे, उस मेथड को अप्लाई करके ही लिमिट इवेल्यूएट कर पाएंगे। यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, सीधे वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर 3 मेथड कंसिडर किए जा रहे हैं, इन तीनों मेथड में से बारी बारी से हम ये सीखेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पर लगाया जाए, कौन सा मेथड सुटेबल कहाँ पर होगा। तीनों मेथड से 0.0 फॉर्म इवेल्यूएट करते हैं, बट आपको प्रैक्टिस ये सीखना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं और कौन सा किस क्वेश्चन में लगाया जाए तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आए। एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x²-3x+2/(x-2)। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके ज़रूर देखेंगे, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म चल रहा है। यहाँ रखेंगे तो अप्लाई करने का मतलब है, देखिए 6-3×2+4, 4-2/(2)। तो इवेल्यूएट करें तो 6-6/(2-2), तो 0/0। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि 0/0 फॉर्म में है। अब इन तीनों में इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर आसानी से हो सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दी गई है आप उसके आसानी से फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर फैक्टर करना अगर आप नहीं जानते हैं तो मारुला क्लासेस ने एक वीडियो इसी बात पर बनाया है कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फैक्टर कैसे आसानी से किए जाएँ। तो अगर आप इस पॉइंट पर वीक हैं तो आप उसको ज़रूर देख लें, यहाँ पर फैक्टर आसानी से निकाले गए। अब देखिए कि अगर यहाँ पर लिमिट 2 अप्लाई करें तो 2-2 0, 0×0, तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। अब हमने यहाँ पे एडवाइस किया था कि आप जो फैक्टर ऊपर और नीचे हैं उनको काट दीजिए, काटे वही जो 0 बन रहे थे। ये बात यहाँ पर भी कर सकते थे, बट ये बात यहाँ क्यों की गई। अब आया मेन रूल लिमिट का, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी लिमिट लगी है, यानी हम अगर जा रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हम वहाँ पहुँचे नहीं। तो लिमिट लगी है इसका क्या मतलब है कि एक्स 2 नहीं है, अब 2 नहीं है। 0 कब बनता है, ये जब ये 2 होता, तो अभी 2 नहीं है तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं। जैसे कि कोई वैल्यू 2/2 तो सिंपली काट के 1 होगी, 0.1/0.1 वो भी 1 होगी, -3/-3 वो भी 1 होगी। तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है और वो भी उससे नीचे डिवाइड भी नॉन ज़ीरो से किया गया तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो एक्स अगर 0 नहीं है तो x/x क्या होगा, 1। तो यहाँ पर भी ये 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। तो इसको हमने हटा दिया लिमिट की वजह से, लिमिट ना होती तो ये हट नहीं पाता। तो अब आया लिमिट x→2 x-1। अब फिर से लिमिट लगा के देखें, लिमिट जब लगाई तो 2-1 कितना आ गया, 1। इसका मतलब लिमिट इवेल्युएट हो गई। जैसे ही यहाँ 2-1 करेंगे 1, लिमिट को देखो हटा दिया, लास्ट स्टेप में जब लिमिट इवेल्युएट हुई तो लिमिट को हटा दिया। जब तक लिमिट लगी थी तब तक ये मान चल रहे थे कि एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, जैसे ही लिमिट इवेल्युएट हुई एक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर हमने बोला कि कहीं जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं अभी पहुँचे नहीं हैं, बट टेंड टू दैट डेस्टिनेशन, तो कभी ना कभी तो वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई अगर परेशानी नहीं है, बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं आया, तो अब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाया और लिमिट को इवेल्युएट कर दिया, ठीक। आ जाएंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन दे दें, कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ दे रहे हैं, नहीं बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें आ रही कि नहीं आ रही, क्या बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे
एफ एक्स देखो अंतर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन है। तो अगर एफ ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिख सकते थे एक्स माइनस टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, एफ वन करेंगे तो वन माइनस टू और वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन। ठीक, जैसे कि उस बात को जो अभी यहां पे हमने फैक्टर काटा था तो बच्चे सोचते कि इसमें अंतर क्या आ गया। देखिए जैसे हमने फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन ले लिया, यहां पर भी फैक्टर कर लिया एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर हम वन पे वैल्यू निकालते हैं तो अगर यहाँ पे वन डालेंगे तो वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस टू। अब इसको आप इससे काट नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ये कितना है ज़ीरो और ये भी कितना है ज़ीरो, तो यहाँ पर भी नहीं काट सकते। अगर यहाँ वन रखते तो भी यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो बनता, यहाँ पे भी जीरो पॉइंट जीरो बनता, ये फैक्टर इससे नहीं हट पाता अगर एग्जैक्टली वन पे वैल्यू निकालते। यहाँ पर क्यों हट पाया, अभी जब काटा था उससे उसके बाद में क्या हो टू हुआ है, उससे पहले टू नहीं था, तो टू नहीं था तो ये वैल्यू जीरो नहीं थी, तो जीरो ये भी नहीं थी, जीरो ये नहीं थी, तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से हटा दिया, कितना लाया वन लाए। तो लिमिट का रोल क्या आया, इसी वजह से एग्जैक्ट वन पे ये वैल्यू नहीं हट पाएगी। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू वन पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म आएगा। ठीक, तो इसलिए अगर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म हट जाएगी। ठीक, समझे कि नियंत्रण समझ आ रहे नहीं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वन है, एग्जैक्ट क्या है वन है। ठीक, समझे कि नहीं, अरे मतलब डॉक्टर के पास जाएं आपको डेंगू हो चुका है डॉक्टर क्या बोलेगा, तो अब उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। हाँ, दो तीन दिन पहले बोलता है अगर आप दो तीन दिन पहले मेरे पास आ जाते या मैं इसको बचा पाता, बोलता कि नहीं ये मर गया अब आप मर डेड बॉडी ले जाएं कुछ कर पाएंगे, हाँ वो गले कुछ दिन पहले आते तो मैं शायद कुछ कर पाता। ठीक, इवेल्यूशन ऑफ लिमिट जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, कहने का मतलब चार ऑप्शन हैं, बारी बारी से आप क्वेश्चन को देख लें नोट करें और सारे क्वेश्चन विजिबल हैं, नंबरिंग क्वेश्चंस की दी गई है, ऑप्शंस इसलिए दिए गए हैं कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस को कर पाएँ और एक जगह जीरो अपॉन जीरो के एक जगह क्वेश्चंस आपको मिल पाएँ। बुक्स आपके पास बहुत सी होंगी, बहुत सारी मटेरियल आपके पास होंगे, मगर मटेरियल और बुक्स में समस्या ये होती है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर फॉर्म का पर्टिकुलर क्वेश्चंस और लेवल वाइज शायद आपके पास ना हो, तो आप बिगनिंग लेवल पर जब शुरुआत करते हैं तो आप आपको लगता है कि वो चीज़ें टफ हैं, टफ इसलिए लगती है कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म के शुरुआत से लेके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आपको करने में थोड़े से टफ लगेंगे, बट आप जब वन बाई वन बारी बारी से करेंगे तो एक शुरुआती क्वेश्चन से लेके एक अच्छे कॉन्सेप्ट तक का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करें, लगाएँ, कमेंट के थ्रू आंसर्स भी आप यहाँ पर डालें जिससे कि आप दूसरे और भी लोग देखें, इससे एक अच्छा सा माहौल बने, होप सो कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और हमारे तक आंसर्स जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू, आगे वाले वीडियो में हम लोग इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, एक फॉर्म नई और वन बाय वन सारे फॉर्म्स को हम लोग इंट्रोडक्शंस और उनके क्वेश्चंस को और उनके प्रैक्टिस को आप तक पहुंचाएंगे।